चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है सर, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कही भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है। SDM ज्योति मौर्य की कहानी आप तक पहुंची गई होगी। इनकी कहानी किसी फिल्म की तरह लगती है। इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं, एक वो जो बीवी को पढ़ाने में विश्वास रखता है और एक कैरेक्टर ऐसा है जो दूसरे की बीवी को पटाने में विश्वास रखता है। दोनों में जीत किसकी होगी? एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि पहले वाले को नुकसान हो गया, बेचारे आलोक ने पैसा लगाया, मेहनत किया, बीवी को पढ़ाया, लेकिन बाद में उनकी बीवी को किसी और ने पढ़ाया। अब आलोक का पैसा, उनकी मेहनत और उनकी पत्नी, ये सारी चीजें उनके हाथ से निकल गई। लेकिन क्या सच में नुकसान आलोक मौर्य का हुआ? एक और वो तबका है जो ये कह रहा है कि नुकसान आलोक मौर्य का नहीं हुआ, उन्हें तो वो नहीं मिला जो उनका था ही नहीं, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति मौर्य ने वो खो दिया जो सिर्फ उसका था। वो भी किसके लिए? उस प्रेमी के लिए जिसकी पहले से शादी हो रखी, जिस पर पहले भी दूसरों के साथ अफेयर के आरोप लगते रहे। सोचिए नुकसान किसका हुआ? आज आलोक मौर्य के साथ लाखों लोग खड़े हैं, लेकिन ज्योति मौर्य अपनी प्रेमी के साथ जरूर हैं, लेकिन फिर भी वो अकेली है। क्या भरोसा उस प्रेमी का? क्या वो ज्योति के लिए अपनी पत्नी को तलाक देगा या ज्योति को छोड़ेगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने पर आपको पता चलेगा कि हर फिल्म में जिस तरह से सच्चाई की जीत होती है, यहाँ पर भी बेवफाई पर सच्चाई भारी पड़ी है। यूपी की बनारस की रहने वाली ज्योति मौर्य बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता की एक चक्की की दुकान है। ज्योति बचपन से ही पढ़ने में तेज थी, लेकिन पिता ने ग्रेजुएशन के दौरान ज्योति की शादी प्रयागराज में रहने वाले आलोक मौर्य से करा। शादी होने के बाद ज्योति मौर्य ने ग्रेजुएशन किया। ज्योति मौर्य के पति आलोक ने ग्रेजुएशन पूरा होते ही ज्योति को प्रयागराज में UPSC की कोचिंग करवाई। ज्योति पढ़ने में होशियार थी। साल 2015 में ज्योति का PCS में चयन हो गया, जिसमें 16वीं रैंक उन्होंने हासिल की। जब ज्योति सफल हुई तो उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने ससुर और अपने पति को दिया। यूपी के बनारस की रहने वाली ज्योति PCS बनने के बाद जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज और लखनऊ में तैनात रह चुकी। कई जिलों में SDM रहने के बाद वर्तमान में बरेली के शुगर मिल में GM के पद पर तैनात। ज्योति की शादी के बाद दो जुड़वा बेटियां हुई जो ज्योति के साथ रह रही। वहीं ज्योति के पति आलोक मौर्य की बात करें तो आलोक प्रयागराज के रहने वाले हैं। उनके पिता पेशे से अध्यापक थे जो कौशाम्बी में तैनाती के दौरान रिटायर हुए। अब वो प्रयागराज में ही अपना घर बनवाकर वहीं पे रहते हैं। आलोक मौर्य ने अपनी पढ़ाई प्रयागराज में रहकर की। ग्रेजुएशन के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान उनकी पहली नौकरी पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी के तौर पर मिल गई। आलोक ने पुलिस विभाग में भी नौकरी पाई थी, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। आलोक मौजूदा समय में पंचायती राज विभाग में प्रतापगढ़ में तैनात है। तो इस कहानी का हीरो कौन है? इस कहानी में जीत किसकी होती है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए और देखते रहिए ABP।